साथियों, अभी मैंने वीडियो डाला था कि अगर आप लोन माफी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो लोन माफी के लिए आवेदन करिए। लोन माफी के बाद आपका सिविल खराब नहीं होगा, आप लोन दोबारा आपको लोन भी मिल सकता है। लेकिन लोग कह रहे हैं सर क्या बैंक से लोन मिल सकता है? अगर मेरा प्राइवेट फाइनेंसर का व्यक्ति का पैसा था और वो माफ हो गया तो क्या मेरे को बैंक से लोन मिल सकता है? अगर मेरा बैंक का ही लोन था वो माफ हो जाता है, सरकार माफ कर दे, तो क्या दोबारा बैंक से लोन मिल सकता है? क्या प्राइवेट बैंक से मिल सकता है? क्या एनबीएफसी से मिल सकता है? क्या मैं कहीं से भी लोन ले सकता हूं? साथियों, मैंने बार बार कहा, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार जब लोन माफ करती है तो उसपे ना तो आपके सिविल पर इफेक्ट आता है बल्कि आपका सिविल ठीक हो जाता है और आप दोबारा भी लोन लेने के लिए एलिजिबल रहते हैं। बैंक से भी लोन ले सकते हैं, एनबीएफसी से भी लोन ले सकते हैं, प्राइवेट बैंक से भी ले सकते हैं, प्राइवेट फाइनेंसर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी लोन लिया जा सकता है। 1% भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। जो लोग भी आपको ये कह रहे हैं कि आपका अगर लोन माफ हो जाएगा तो आपको अपने आपको दिवालिया डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक बार लोन माफ हो जाने के बाद दोबारा जीवन में लोन नहीं मिलेगा, दोबारा आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा, आपका सिविल लो हो जाएगा, दोबारा आपको कहीं से किसी तरह का लोन नहीं मिल सकता, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दो बार ऐसा तो नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा है, दो बार सरकार ने किसानों का लोन माफ किया। और अगर पहली बार लोन जिनका माफ कर दिया था, क्या दोबारा में उनका लोन माफ नहीं हुआ? उनका दोबारा भी लोन माफ हुआ है। दुनिया के कई देशों ने अपने व्यापारियों के लोन माफ किए, अपने अपने नौकरी करने वाले लोन माफ किए और उन्हें दोबारा लोन भी मिला, क्योंकि एक समय सीमा बैंक सरकार तय कर सकती है कि 10 साल में 15 साल में एक ही बार लोन माफी का बेनिफिट लेंगे, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आपका लोन माफ होने दोबारा लोन नहीं मिलेगा। लोन मिल सकता है, दोबारा आप लोन माफी के लिए अप्लाई करेंगे तो 10 साल या 15 साल का गैप देना पड़ेगा, ये नियम सरकार बना सकती है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, खुद भी फॉर्म भरिए, ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाइए। अभी लेटेस्ट की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं और जो लोग अब कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ गए हैं उन सब की जानकारी सुप्रीम कोर्ट भेजी जा रही है, उनके तरफ से पीआईएल लगाई जा रही है, जनहित याचिका लगाई जा रही है। सरकार पर भी दबाव पड़ेगा और या तो सरकार कर्जा माफ करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट से जनता कर्जा माफ करवाएंगे। आप भी फॉर्म भरिए, ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाइए, बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं बार बार कह रहा हूं आप कर्जे के दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और सरकार की गलत नीतियों की सजा आपने आपको नहीं देनी है। आपका गुनाह नहीं है, आपकी गलती नहीं है, कोई गलत कदम मत उठाइए। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी टीम आपकी लड़ाई रही है, आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकालेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक कराएंगे, हो सकेगा तो आपको आर्थिक रूप से सहायता भी करवाएंगे। वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे उनकी आर्थिक सहायता होनी ही चाहिए, सरकार के द्वारा उनकी मदद होनी चाहिए, उनकी मदद की जानी चाहिए, उसके लिए भी प्रयास करें तो दोबारा लोन भी मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड बन सकता है, सिविल खराब नहीं होगा, सिविल ठीक हो जाएगा। घबराना नहीं है, दोबारा लोन के लिए एलिजिबल होंगे आप, इसलिए आप लोन माफी के लिए आवेदन करिए। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।